हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम बनाएंगे कुछ नया, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है और एक कपड़े की थैली ली है। दोनों को मैंने इक्वल में कट कर दिया है और उसके ऊपर भी हमने एक दूसरा कपड़ा लिया है, जिसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। जिसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है 28 इंच। फिर हमें इन तीनों कपड़ों को एक साथ रखना है और तीनों को अटैच कर देना है। यहाँ पे हमने कपड़ा अटैच कर दिया है। फिर हमें आगे से 6 इंच का नाप लेना है और निशान बना लेना है, उसे कट कर देना है। यहाँ पे हमने कपड़ा कट कर लिया है और एक स्ट्रिप लेंगे। उस स्ट्रिप को हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ सिलाई कर देनी है। यहाँ पे भी हम स्ट्रिप को अटैच कर देंगे। फिर हमें वहीं से 6 इंच का नाप लेना है और ऊपर की तरफ हमें इस कपड़े को अटैच करना है। और फिर नीचे वाले हिस्से को कुछ हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और दोनों तरफ यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है और वेक्रो भी लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 2 पॉकेट बन चुकी है। अभी ऊपर की तरफ भी आपको वेक्रो लगाना है और सीधी सिलाई कर देनी है। यहाँ पे हमने एक और स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 45 इंच। उसको हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई कर देनी है। कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रिप बना ली है। अभी हमें इसके ऊपर स्ट्रिप को कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है। यहाँ पे हमने स्ट्रिप को अटैच कर दिया है और यह हमारा बहुत ही अच्छा सा पर्स बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं, आप वेक्रो की जगह टच बटन भी लगा सकते हैं और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। बहुत अच्छा सा पर्स बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।